स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और वहां चल रहे तमाशे की, प्रचार आचार और पाबंदी। बंगाल का चुनाव पांचवें चरण में प्रवेश कर चुका है और 17 अप्रैल को 45 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी पूरे शबाब पर है। ममता ने 8 अप्रैल को हुगली में मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकने की तकरीर की तो बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक ममता बनर्जी के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने 3 घंटे तक धरना दिया और अपना सांकेतिक विरोध जताया। उधर कूचबिहार में सीआईएसएफ की फायरिंग पर बीजेपी के हावड़ा सीट से प्रत्याशी राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लग गया है और वो 15 अप्रैल को दिन में 12 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। 15 तारीख को शाम को पांचवें चरण का प्रचार खत्म हो रहा है। उधर कूचबिहार की घटना पर ही विवादित बयान दे चुके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए हैं और उन्हें बुधवार को 10 बजे आयोग के दफ्तर में पेश होना है। इधर नंदीग्राम की बात करें तो यहां ममता को धूल चटाने का ऐलान करने वाले शुभेंदु अधिकारी को भी इलेक्शन कमीशन ने नसीहत दे दी। शुभेंदु ने 29 मार्च को अपने भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तो आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। नंदीग्राम के मामले में ममता ने इलेक्शन कमीशन से 63 शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन हुगली में उनके बयान पर बवाल मचा और बीजेपी ने शिकायत कर दी। नतीजा ये हुआ कि ममता पर 24 घंटे का बैन लग गया। अब तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी हार रही है तो ऐसा कर रही है। तो इस सारे विवाद के बाद राजनीति गरमानी लाजमी थी और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी यहां धरने पर बैठी हुई हैं। उनका विरोध है कि इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली है वो अपने आप में निष्पक्ष नहीं कही जा सकती, इसलिए नाराज होकर ममता बनर्जी गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी के इस धरने पर भी तमाम सवाल हैं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या ममता बनर्जी का इस तरह से धरना करना उचित है। कहीं ना कहीं जब हम यही ये सब चाहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों जिनमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, तो फिर ऐसे में इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर बवाल मचाना और सवाल खड़े करना कितना उचित है और कितना अनुचित। बहस इसी बात पर है और इसी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हम स्वागत करेंगे स्टूडियो में संजय सिंह का, जो कि बीजेपी के नेता हैं। आपका स्वागत है संजय जी। बृजेश राय जी कांग्रेस के हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। साथ में प्रभात तिवारी हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता, कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपका वर्जन चाहूँगा तिवारी जी। तमाम सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। यदि हम ये चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों तो फिर एक मुख्यमंत्री को क्या ऐसा करना शोभा देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को निष्पक्ष यहां पर नहीं माना जा रहा है आपके द्वारा। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने 64 कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किया, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई। लेकिन ममता जी के ऊपर में कल 24 घंटा का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये एक तरफा रवैया क्यों अपनाया गया, पहली बात। दूसरी बात है कि ममता जी के बारे में आप लोग जो कह रहे हैं, मैं बता दूं कि पॉलिटिकल प्रचार से दूर रहने को कहा गया है। वो खाना नहीं खाएंगी, वो पूजा नहीं करेंगी, वो कहीं बैठ नहीं सकती है, वो कहीं जा नहीं सकती है, ऐसा प्रतिबंध नहीं था। प्रतिबंध था कि पॉलिटिकल प्रचार नहीं करेंगी, वो पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर रही है, तो इसमें क्या क्या गलत है? और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द का प्रयोग किया ममता दीदी के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए, एक वरिष्ठ नेत्री के लिए, उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है इलेक्शन कमीशन? किस लफ्ज की, किस लफ्ज की बात कर रहे हैं? उनको बेगम कहा जी, एक हिंदू ब्राह्मण महिला को बेगम आप कैसे कह सकते हैं?
तो उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? चलिए, दिलीप घोष जो भाजपा के अध्यक्ष है उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, दिलीप घोष को चेतावनी दी है। हम संजय सिंह से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं। संजय जी, यहाँ पर जो तिवारी जी ने जो कहा तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड, वो आपने सुना, आपका इस पर क्या कहना है? ममता बनर्जी के लिए वो ये कह रहे हैं कि इतनी सारी 64 कंप्लेंट्स की गई थी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उन कंप्लेंट्स पर चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, एक साधारण सी बात है, आजकल बड़ी चर्चा में है कि ममता का तय है हारना, इसलिए उनको करना पड़ा धरना। उनको तय है, उनको पता है, और लगातार 64 कंप्लेंट करना जाके इलेक्शन कमीशन को, वो यही गिनती कराना चाहते थे कि देखिए उनके साथ कितना अन्याय हुआ। अब ये तिवारी जी कह रहे थे कि बेगम कह दिया, अरे हिंदी में पर्यायवाची शब्द के भी बहुत महत्व होते हैं, और पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करने से कोई शब्द का रूपांतर नहीं हो जाता, शब्द खतरनाक नहीं हो जाते, शब्द जो है सो ऐसा नहीं हो जाते जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। बेगम कोई खराब शब्द नहीं है, बहुत बेहतरीन शब्द है। अब रही बात ममता बनर्जी की, कौन नहीं जानता था कि ममता बनर्जी विगत कई वर्षों से मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, उनकी राजनीति का वेश मुस्लिम तुष्टिकरण है। इस बार ये मुस्लिम तुष्टिकरण उनको उल्टा पड़ गया, उनको लगा कि मुसलमानों के ही वोट में छेद हो गया, या मुसलमान कहीं ना कहीं से इस बात को समझ लिए कि उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी, 2 मई है और ममता का जाना तय है, ये तय है। अब इसके लिए वो धरना बैठ जाए, अब उन्हें इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी, ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्रचार पे रोक लगा दी जी। ममता जी जाके गांधी जी के सामने धरना पे बैठ गई, हम सब उस पर चर्चा कर रहे हैं, उनका प्रचार हो रहा, यही उनकी रणनीति थी। कोई इस बात से वो दुखी नहीं है, कोई इस बात से आहत नहीं है, वो उनका तरीका बदल गया बस। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब उस रास्ते पे चल पड़ी है जहां पे कोई भी आदमी छटपटा के अपने दूसरे, उसके पास कोई उपचार है या नहीं। चलिए सुनील जी, क्या हम यहां पर ये कहने का हमारे पास कोई कारण बनता है कि इलेक्शन कमीशन, ममता ने जिस भी किस्म का यहां पर आचार संहिता के खिलाफ काम किया वो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा हार्श रहा उनके खिलाफ सजा के ऐलान में, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, देखो जो बयान ममता जी ने दिया और जिस पर लेकर के चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट की अपील नहीं आप कर सकते, वो वोट की अपील दिखी, वो चुनाव आयोग को दिखा कि वास्तव में कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना भी संवैधानिक दायरे में उठनी चाहिए। ममता जी ने आज धरना दिया, मैं उसको भी जायज़ मानता हूँ कि संवैधानिक तरीके से उन्होंने धरना दिया है, और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ यदि संवैधानिक दायरे में रह करके यदि हम उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से हम बोलें, गाली गलौज करें, तूतड़ाक बोलें, तमाम ऐसी डिबेट में हमने देखा गया है, करोरा साहब के खिलाफ भी तमाम ऐसे बयान दिए गए, वो थोड़ा सा असंवैधानिक होता है। यदि चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि कार्रवाई करनी भी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तमाम नेताओं को उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, तमाम नेताओं को तलब किया है, तमाम नेताओं को उन्होंने कठोर चेतावनी भी दी है। लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूं भाटिया साहब, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान योग्य हैं भी, लेकिन जिस तरीके से भाषणों में उन्होंने जिस शब्द का यूज करना शुरू किया है, लगता है पश्चिम बंगाल में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, और इस तरीके के सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं कि उन बयानों का लड़के चौराहों पर खड़े होकर के उन शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, दीदी ओ दीदी जिस भाषा में उन्होंने उपयोग किया है, मैं नहीं मानता कि ये बहुत संवैधानिक दायरे में, एक प्रधानमंत्री मतलब के पद पर रहते खिली, हुए खिली उड़ाने वाले अंदाज yes, में कह रहे हैं yes, हाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि प्रोवोक करने के अंदाज में कह रहे हैं। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब वो दीदी ओ दीदी बोलते हैं तो बड़ा तालियां बजती हैं उसके, आपने वो देखा होगा, लेकिन एक मिनट बैठिए साहब, मुझे लगता है इस भाषा का उपयोग उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय करते, तमाम नेता राष्ट्रीय महासचिव करते, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार होता, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन बैठे व्यक्ति को यदि ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ा तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए ब्रजेश राय जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आ ही रहा था, इस बीच आपकी व्यग्रता भी नजर आ रही है, मुझे ये जानने में खासतौर से रुचि है कि आपकी व्यग्रता यहाँ पर सुनील जी ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बात कही उस पर बोलने के लिए ज्यादा है, या फिर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यानी ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन? नहीं, मेरी व्यग्रता अपने देश के लिए बोलने के लिए ज्यादा है जी। सबसे पहले तो मैं भाटिया जी की बात का समर्थन करता हूँ, एंड बहुत खुश हूँ मैं कि उन्होंने इस बात को उठाया और बहुत बेवाक तरीके से उठाया, सल्यूट है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि दिलीप घोष जी भारतीय जनता पार्टी के क्या बयान देते हैं सर,
कि जवानों ने दिखा दिया मार करके बंगाल के अंदर, बंगाल की जनता को दिखा दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना उनको लगाया, उन पे रोक, उनको नोटिस भेजा। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता, ना हमारा उठाने का कोई औचित्य है। मैं ये मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि कौशिक जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ममता दीदी, ओ ममता दीदी, आप नुक्कड़ नुक्कड़ में सुनाया जा रहा है। अगर कोई नीचे का कार्यकर्ता इस बात को बोले तो समझ आती है। ये इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं इस चीज की सर इसके बहुत मेरे जहन में कल से मैं बहुत परेशान था कि दिलीप घोष साहब का जब मैंने बयान सुना तो ये बहुत दर्द देने वाला बयान था कि आप सुनिए ना सर, आपने देखा होगा भाटिया जी, उन्होंने ये सीधा बोला है कि बंगाल की जनता गोली खाने के लायक है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी बोले, चाहे वो त्रिमूलेन कांग्रेस बोले, कोई भी बोले, इस तरह की भाषा का आप गणतंत्र में आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल लग रहा है मीडिया को इसको बिल्कुल तेज दिखाना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने बोली है तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी और दीदी जिस तरह से रैलियों में कह रहे हैं और उस पर तालियां बज रही हैं, जनता को वो पसंद आ रहा है, ये जो मुद्दा है वो यहाँ पर उठ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये प्रधानमंत्री का हास परिहास है या उपहास है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, जनता ताली पीट रही है, एक प्रधानमंत्री अपने विरोधी पक्ष के नेता जो निरंतर की पता नहीं क्या क्या चीज़ नहीं बोल चुकी है प्रधानमंत्री जी को, उसको दीदी कह के संबोधन कर रहे हैं, वो दीदी कह के संबोधन, ये नहीं कह रहे हैं हे दीदी, वो दीदी कह के संबोधन कर रहे हैं। शब्दावली में कहाँ आपको कोई दिक्कत नजर आती है? अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं इस बात को सोच रहा था कि अगर स्टेज से मंच से अपने विरोधी नेता जिसके खिलाफ हम भाषण दे रहे हैं उसको दीदी क्या के बुलाना, वो दीदी क्या के बुलाना, इसमें कौन सा अपमानजनक अपमानसूचक बात है? दीदी लफ्ज पे आपत्ति नहीं है संजय जी, तो ये तो दीदी लफ्ज कहने के अंदाज पर आपत्ति यहां पर हो रही है। चुनाव होता ही आकर्षण का विषय होता है, ना शब्दावली में कोई कमी है, ना सोच में कोई कमी है, एक आकर्षक बनाने का तरीका, और जिसको पब्लिक ले भी रही है। तो हमें लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का है कि सम्मान देते हुए उसको आकर्षक बना देना, हमें मतलब नहीं लगता ये विवाद, महिला के ये सम्मान को आप आकर्षक बनाएंगे, एक महिला के सम्मान को नहीं, दीदी कह रहे हैं उसको, दीदी कह रहे हैं, आकर्षक शब्द का यूज कर रहे हैं, कोई अब्यूजिंग नहीं है। आप ये कहिए कि जनता का ध्यान खींचने के लिए हम ये आकर्षण शब्द का उपयोग आप बैठ के कर रहे हैं, जनता महिला के लिए। कुछ दिन पहले आपने मायावती के ऊपर उत्तर प्रदेश में बयान देखा था तो तालियां तो वहां भी जनता ने पीटी थी, जनता ने तालियां पीटी थी, तो क्या असर हुआ वहां पे? आप ही की पार्टी के नेताओं ने नेताओं को निकालना पड़ा पार्टी से। तो जब महिलाओं के प्रति आपका कोई छोटा नेता सम्मान बात करेगा, कोई गुनाह नहीं है? कैसे गुनाह नहीं है? जैसे प्रधानमंत्री जैसे पद दीदी कह के बुला रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है? विषय को विषांतर करने की कोई आवश्यकता नहीं कौशिक साहब, सोशल मीडिया पे आप देखिए ना, मुकदमा दर्ज हुआ प्रधानमंत्री के खिलाफ, हर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चुनाव है, कितने मुकदमा दर्ज कर दो, पीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप बताइए। एक पीएम के खिलाफ मुकदमा ऐसा दर्ज हो जहां महिला के खिलाफ असम्मान तरीके से बात हो, इस देश के अंदर स्वतंत्र हो, राजनीतिक भाषा का उपयोग, मुकदमा दर्ज हो तो ठीक है प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन महिला के प्रति असम्मान शब्द में मुकदमा थोड़ा ठंडा करता हूँ कि जब जब मौसम आए चुनावी आते हो तुम तभी नजर और मिल जाए बस कुर्सी तुमको हो जाते हो छू मंतर। तो आप ये समझिए, ये प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, ये सबके लिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए भी कह रहे हैं, सबके लिए, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। आप ये समझिए कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, भाटिया जी कहती है कि वो 24 घंटे काम करते रहते हैं 365 दिन बिना ऑफ लिए, मुख्य बात ये है, मंत्र जैसा क्या है सर? छू मंत्र का मतलब ये है कि आज तक बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पर्सन पिछले 3 महीने से पहले कोई भी वहां पे था नहीं। आज देश इतनी बुरी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, बांग्लादेश से ज्यादा हमारे देश में भुखमरी है आशुतोष जी, अगर आप देखेंगे तो उसको, लेकिन उस चीज को छोड़ करके पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एक चीज को तो मैं मानता हूं, हमारे यहां से बोलने के साथ, सहारा को दिखाने के साथ, आज एक चीज तो अच्छी हुई थी प्रधानमंत्री जी के रैली में, सब लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, सल्यूट टू सहारा और सल्यूट टू
हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों ने इसको मनाया, अदरवाइज वहां पे मास्क लगा के कोई जाता किसी रैली में नहीं जाता था। मैं किसी भी पार्टी के विगत और चीजों की बात नहीं करता, लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि आज की देश में लोग पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उसको चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं, आपको इतना नहीं है कि अभी सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा को स्थगित किया जाए, क्योंकि आज 1,60,000 के आस ऊपर केसेस आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या प्रवासी मजदूर फिर से मरेंगे क्या? तो इसके ऊपर मैंने बताया कि जब जब मौसम आए चुनावी आते हो तुम, तभी नगर मिल जाए बस कुर्सी तुमको, हो जाते हो चौमंतर। जोड़े थे कल जिनके हाथ, उनको टेंगा दिखाओ तुम आज, उनका ही तुम खून चूसते। पहनाया जिसने ये ताज, तो जिसने मोदी जी को ये ताज पहनाया, याद है आपको 2013 में मोदी जी ने कहा क्या बोला था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और उसके बाद उनका एक बयान आया बहुत बड़े एंकर जीटीवी के, उन्होंने उनसे पूछा क्या हाल मिल गया क्या, उन्होंने बोला पकौड़ा तल रहे ना, तो पकौड़ा तल रहे तो रोजगार में डाल दिया। आप एक इंजीनियर आदमी, एक एमबीबीएस डॉक्टर पकौड़ा तोलेगा क्या? आप अगर इस देश में आए हैं तो आपको रोजगार पे काम करना चाहिए कि नहीं? दीदी, ओ दीदी, अगर हम बोले मोदी जी, ओ मोदी जी, कैसा लगेगा? मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं इन बातों के आलोक में और आपके इस आरोप के आलोक में मेरा सवाल सीधा आपसे ये है ब्रजेश जी, कि क्या आप ऐसा मानते हैं या कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है या निष्पक्षता नहीं है? मैं वो दीदी, वो ममता की तरफ हार्श ज्यादा है, ऐसा मानते हैं आप कि ममता के लिए हार्श ज्यादा है और प्रधानमंत्री के लिए कम है? सर, मैं स्पेसिफिक जवाब के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। सारे चैनल कहते हैं, भाटिया जी, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल उठाया गया क्यों? नहीं, सबने माना, मतलब टीएमसी और इन दोनों में वो, ये जो निर्मम हत्या का कांड हुआ है वहां पे बंगाल में, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है। वहां 4 लोगों को सीआरपीएफ वालों ने मार दिया, हमारे गृह मंत्री ने भी बोला। इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने इन हत्या वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन का क्या बायस आपको नजर आ रहा है? सर, इलेक्शन कमीशन को जो ममता जी को वहां जाने से रोका गया, आपको याद है, अगर आप पीछे जाए एक मिनट, अगर आप पीछे थोड़ा सा पीछे जाए, आपको याद होगा 2014 में पटना में प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी ने एक भाषण दिया था, वहां पे बम ब्लास्ट हुआ था, और उसके अगले दिन ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन लोगों के घर में पटना में गए थे। तो ममता दीदी, देखिए हमारी अपोजिशन पार्टी की है, फिर भी मैं बोलता हूं, अगर ममता जी वहां पे जाना चाह रही थी या कोई नेता जाना चाह रहा था, तो इलेक्शन कमीशन का बनता नहीं है उसको बनाने का, इसलिए इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल उठाया जा सकता है। चलिए, मैं यहाँ पर मैं संजय जी लौटूंगा आपके पास। तिवारी जी जी तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ, पहले आप अपनी बात कह लीजिए, फिर आपके लिए मैं सवाल कहना चाह रहा, सवाल पूछूंगा आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष काम करे, उसके ऊपर उंगली नहीं उठेगी। हाँ, आप प्रधानमंत्री के लिए क्या सोका नोटिस दिया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है बता दें आप, तो वही बात है ना, आप तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं लिए हो, सोका नहीं किए हो, छुटभैया के खिलाफ नहीं लिए हो, मतलब दीदी और दीदी कहने के लिए कह रहे हैं क्या? तुष्टिकरण है? नहीं, दीदी, देखिए दीदी वो दीदी नहीं बोले, आप लोग सही बेगम वाले उसकी दीदी, आप इस पे बेगम के बारे में कह रहा हूँ, सुनिए, बेगम जो है शुभेंदु अधिकारी, कल तक ममता जी को माँ के नाम से पुकारते थे, ये हमारी माँ है, राजीव बनर्जी माँ करके पुकारते थे, और आज बेगम हो गई है, कल को कहेंगे गर्लफ्रेंड हो गई है, ये क्या शब्द है? नहीं, मैं तिवारी जी, मैं यहाँ पर शब्द है, नहीं इलेक्शन माँ होती है, नहीं, ममता हमारी माँ है, ममता हमारी माँ रहेगी, नहीं होती है, नहीं तिवारी जी सुनिए, यहाँ पर अच्छी बात है, मैं आपकी बात सुन ली, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर ममता के लिए ये जो बैन जो लगाया है प्रचार के लिए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर जो कहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आयोग पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है। यानी आयोग का ये मानना हुआ इस बात पर कि ममता बनर्जी अगर इस आशय की बात अगर अल्पसंख्यकों से अपील करेंगी मतदान की और ये कहेंगी कि अपने वोट मत बटने देना, तो ये कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं ये चीज़ ये पैदा कर सकती है, और इसलिए उनसे ये सलाह दी गई है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभियुक्तियों के दौरान ऐसे बयानों से वो बचें। तिवारी जी, मैं कहता हूं कि अगर आप ममता जी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप भाजपा के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? मैं चुनाव आयोग से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, ठीक है, अगर ममता जी ने कोई कमी है, कोई नहीं, नहीं, बयान गलत है, आप मानते हैं कि वो बयान, आप मानते हैं क्या कि उस बयान में कोई खामी थी? मैं देखिए, बयान
देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक तरफा नहीं चलेगा। दिलीप घोष के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मेरा कहना यही है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा करे ना, उसको करने का छूट है। कौशिक जो ऑटोनोमस बॉडी होती है यहाँ, लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता। यहाँ तिवारी जी प्रधानमंत्री छूट जाएंगे। कौशिक जी, तिवारी जी कह रहे हैं, तिवारी जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट बायस है इलेक्शन कमीशन का। आप क्या इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर यहाँ पर सवाल उठाते हैं? नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं उठाना है, एकदम सवाल नहीं उठाना है। और इसलिए नहीं उठाना है कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार बनता है कि वो कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, और जो भी शिकायत की जाती है उस शिकायत की भी एक व्यवस्था होती है, देखा जाता है, उनकी एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उसका उस शिकायत में कितनी दम है, इस सारी चीज़ों की समीक्षा होती है। उस समीक्षा के आधार पर, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, कोई छोटा पंचायत का चुनाव नहीं है, ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, तो छोटे छोटी चीज़ें वहाँ नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों को देख करके समीक्षा करके तब एक्शन लेता है। लेकिन निश्चित तौर से यह चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही हैं, एक तरफा उंगली उठ रही हैं, तो ये भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है निश्चित तौर से कि ऐसी उंगली न उठे, क्योंकि पहली बार ऐसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रहा है, और राज्यों में नहीं हुआ, न असम में हुआ, न कर्नाटक में हुआ, न पांडिचेरी में हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को लेकर के टिप्पणियां की जा रही हैं, उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि स्वतः समीक्षा करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि ऐसी व्यवस्थाएं यदि हमारे खिलाफ हो रही हैं, यदि ऐसे सवाल हमारे खिलाफ उठ रहे हैं, तो हमें ऐसे कौन से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से या लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित तौर से ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों का भी भरोसा और विश्वास बना रहे। आप सुनील जी ये कह रहे हैं कि अभी आप इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में, कार्यप्रणाली में किसी तरह का कोई बायस तो नहीं देखते, पक्षपातपूर्ण रवैया तो नहीं देखते, लेकिन ये सवाल जरूर है जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी देखिए, मैं बर्जेस जी का लंबा चौड़ा भाषण जो रट के आए थे वो सुन रहा था सर, रट के नहीं, उसमें मुद्दे से अलग था, उसमें एक बात बार बार ये कह रही थी, भूल गए कहते वक्त चौकीदार चोर है, ये भूल गए, दीदी वो दीदी इनको बहुत चुभ गया, क्यों चुभ गया, क्योंकि वहाँ चुनाव हार रहे हैं और इनका कांग्रेस की तो वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। अब रही बात चुनाव अधिकारी, चुनाव कमीशन की जहाँ तक बात रही, तो चुनाव कमीशन, चुनाव कमीशन का मुख्य काम है चुनाव को ट्रांसपेरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से चुनाव कराना। चुनाव कमीशन अपना चुनाव करा रहा है। अब बात विवाद 63 कंप्लेन, 100 कंप्लेन कर दो और उस कंप्लेन का कोई औचित्य ना हो, उसकी कोई गहराई ना हो, और बाद में कहो कि इलेक्शन कमीशन गुनाह कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है और हम रोज कंप्लेन करने चले जाते हैं, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, ये कहीं से न्याय संगत बात नहीं है। आप रोज कंप्लेन करते हैं और कोई एक गहरा कंप्लेन है जब आप मुस्लिम वोटर से कह रहे हैं कि आप मुझे वोट, ठीक है, ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है समीक्षा के हिसाब से। जी, मैं यहाँ पर मैं ये पढ़ के आया था और जब मैंने ये देखा कि ममता वाले सारे एपिसोड पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं, तो मुझे ये पता चला था कि सीपीआईएम और कांग्रेस, यानी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने ममता की ही निंदा की है कि इस तरह से उनको धरना नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपकी राय तो बिल्कुल जुदा नजर आई मेरे को। नहीं देखिए, ममता की निंदा करने का किसी ने नहीं बोला कि ममता जी ने ऐसा किया, और कांग्रेस और सीपीएम ने भी बोला है, देखिए कांग्रेस और सीपीएम ने यही भी बोला है कि दिलीप घोष साहब ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ क्यों नहीं उनको बैन किया गया, ये कांग्रेस और सीपीएम ने देखा है सर, आप बयान को उठा करके देखिए। और मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं सबको माननीय बोलता हूँ, मनमोहन सिंह जी ने 2015 में जब ये नोटबंदी का इशू हुआ था बोला था कि जीडीपी आपकी 2% से ऊपर नहीं जाएगी। मैं कहता हूं मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल गलत बोला था, आज जीडीपी जीरो पे है सर, आपको नहीं जाता कोई भी पार्टी बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए बहुत संक्षेप में आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि यहाँ पर आपको लगता है कि ये जो नया एपिसोड हुआ है पूरा, ममता का धरना, इलेक्शन कमीशन द्वारा उनको प्रतिबंधित किया जाना, इस पूरे एपिसोड का इस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा आपको लगता है, या फिर हम ये कहें कि नहीं, मतदाता पहले ही मानस अपना बना चुका है, उसी दिशा में चीजें जाएंगी? संदेश तो जानता ही है, और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के खिलाफ पैदा ऐसा धरना प्रदर्शन हो रहा है, कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां चुनाव आयोग जब कार्रवाई करता है तो नेताएं धरने पर बैठते हैं, तो ऐसा निश्चित तौर से कह सकते हैं इसका कि चुनावी फायदा टीएमसी को होगा, मगर एक संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है कि हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किसी संस्था द्वारा किया जा रहा है, किसी के इशारे पर किया जा रहा है, या आयोग किसी के इशारे पर, नहीं है इस एपिसोड के बाद
ममता रिसीविंग एंड पे नहीं है। फिलहाल हम शुक्रिया करेंगे आपका सुनील जी इस पूरी जानकारी के लिए। संजय जी आप हमारे साथ जुड़े, ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बेरोजगारी पे भी देखा जाए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम। आज का जो हमारा डिबेट का टॉपिक था ब्रजेश जी, वो ममता बनर्जी का धरना ही था। आप सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। बात बिल्कुल साफ है, पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरे शवाब पर है, और जब तक चुनाव चलेंगे तब तक इसी प्रकार की रस्साकशी आपको देखने को मिलेगी, और इलेक्शन कमीशन अगर है तो उस पर आरोप भी लगते रहेंगे, और ये सवालात भी इलेक्शन कमीशन पर उठते रहेंगे कि वो निष्पक्ष भले हो लेकिन कुछ सवाल ऐसे ज़रूर हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देना बनता है। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए सहारा समय पर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।